रेवाड़ी से पार्टी ने उनको टिकट दिया है। चिरंजीव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, पार्टी ने आपको एक बार फिर से धन्यवाद जी, मौका दिया आपका है। बहुत शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद। क्या सर पहली लिस्ट आई है, चिरंजीव आप बताइए क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पहली सूची को देखने के बाद? ये आप लोगों की 10 साल के बाद हरियाणा की सत्ता में वापसी का संकेत है ये लिस्ट? देखिए, जो आज 31 सीटें आई हैं, 31 जिताऊ हमारे दोबारा लोग हैं जो दोबारा आएंगे, और आने वाले समय में जो सूची आएगी और जितने भी हमारे प्रत्याशी आएंगे, सारे जिताऊ कैंडिडेट पार्टी उनको देगी। और मुझे उम्मीद है कि जनता उन सबके ऊपर विश्वास रखते हुए दोबारा उनको चुनकर भेजेगी। आपके रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी को लेकर आप कितने अब आश्वस्त हैं, क्योंकि हालांकि आपका नाम तो लगभग तय माना जा रहा था लेकिन अब ये ऑफिशियल हो गया, तो कल से आप ऑफिशियल उम्मीदवार के तौर पर जनता के बीच जाएंगे। हालांकि आप और आपका परिवार लंबे वक्त से उस क्षेत्र में सक्रिय रहा है, लेकिन चिरंजीव जी कल से आप 2024 के चुनाव के लिए ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर जाएंगे। जी देखिए जी, हम तो लगातार करीबन 40 साल हो गए हमें जनता की सेवा करते हुए। मेरे पिता यहाँ 6 बार विधायक रहे, मेरे दादाजी रहे 3 बार, और मेरी भी ये कोशिश रही पिछले 5 साल से कि लोगों की सेवा करें, और आने वाले समय के अंदर भी मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे एक बार फिर आशीर्वाद देके अपनी सेवा करने का मौका देगी। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जनता के लिए हम एक बार फिर काम करें। नहीं, और चिरंजीव आप तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं अपनी सीट को लेकर कि आपको किसी तरीके के चैलेंज विपक्ष से नहीं मिलेगा? देखिए, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ क्योंकि मैंने लोगों की सेवा सच्चे मन से करी है, और लोगों ने एक ऐसे समय के ऊपर भी मुझे चुनकर भेजा था जब पूरे देश के अंदर 75 बार का नारा चल रहा था, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। मेरी उम्मीद है कि हम भारी बहुमत के साथ जीतूंगा भी, और सरकार का प्रचंड बहुमत आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिरंजीव आपका, आपने वक्त निकाला सर हमसे बातचीत करने के लिए। चिरंजीव राव रेवाड़ी से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है।